नमस्कार दोस्तों, फूड रिवाइंड में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ झीनुक की रेसिपी शेयर करूंगी। झीनुक को सीप बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने आधा किलो सीप ले लिया है और इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और चाहिए हमें 3 मीडियम साइज के आलू। आलू को हम ऐसे स्लाइस में काट लेंगे। आलू की मात्रा आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम ये सेब डाल देंगे। इसे हमने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में बॉईल करेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। 3-4 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 4 मिनट हमने अच्छे से इसे बॉईल कर लिया है। अब हम इसे एक टोकरी में छान लेंगे। कढ़ाई को हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, 2 से 3 चम्मच। तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। और यहाँ पे सीप को हमने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। एक टोकरी में छाना है, उसके बाद इसे साफ पानी से अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया है। तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाए, हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद 2-3 मिनट हम हाई मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। दो मिनट बाद हम इसमें सीप ऐड करेंगे। 2 मिनट हाई फ्लेम में आलू को फ्राई कर लिया। अब हम यहाँ पे झीनुक ऐड कर देंगे। झीनुक डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। दो मिनट अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच 5 फोड़न। साथ ही हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप करके डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए, हम यहाँ पे डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर के सॉफ्ट हो जाने तक प्याज के साथ हमें भूनना है। उससे पहले हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। अगर आप झीनुक खाते हैं तो इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। टमाटर जब हमारा हल्का सॉफ्ट हो जाए, हम यहाँ पे डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 मिनट हम अच्छे से भूनेंगे। 1.5 मिनट हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट डालने के बाद भून लिया है। अब हम गैस का फ्लेम लो पे करेंगे और कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। ड्राई मसाले डालने के बाद हम कुछ देर भूनेंगे। जब मसाले हमारा अच्छे से भून जाए, तब हम यहाँ पे फ्राई किए हुए आलू और झीनुक ऐड कर देंगे।
अब हमें मसाले के साथ इसे मिलाते हुए 2 से 3 मिनट भूनना है। मसाले के साथ हमने इसे 2 मिनट अच्छे से भून लिया है और ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। आलू जितने में हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हम पानी उतना ही डालेंगे और ये सब्जी पूरी तरीके से ड्राई बनता है। तो पानी हमने इतना ही ऐड करेंगे, 1.5 कप हमने पानी डाला है। सब्जी को हम ढक के पकाएंगे जब तक आलू हमारा अच्छे से पक ना जाए। डालेंगे थोड़ा सा भी कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिलाएंगे, गैस का फ्लेम मीडियम करके सब्जी को ढक के पकाएंगे। 7-8 मिनट बाद आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। चेक कर लेंगे एक बार, आलू पक गया है। थोड़ा सा डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और गैस का फ्लेम हाई करके सब्जी को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। सब्जी हमारा पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। देखिए इससे ज़्यादा सब्जी को और नहीं पकाएंगे तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और सब्जी को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।